सोलन के कथिन कठेर गांव में पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। लोगों को तकरीबन 10 दिनों बाद पीने का पानी मुहैया हो रहा है। गर्मियों के मौसम में पानी न मिलने के कारण अक्षेत्र वासियों को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। लोग नगर परिषद और आईपीएच विभागों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, लेकिन कोई भी विभाग उनकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं कर पा रहा। यही कारण है कि लोग अपने घरों में रिश्तेदारों को भी आमंत्रित नहीं कर पा रहे। अक्षेत्रवासियों का कहना है कि पानी की किल्लत से वो काफी समय से जूझ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन है कि उनकी कोई भी सुध नहीं ले रहा, जिसकी वजह से खाना बनाने कपड़े धोने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई कई दिनों में पानी आने की वजह से वो नहाने को मजबूर हो चुके हैं। अगर कोई मेहमान या रिश्तेदार उनके यहाँ आने की बात कहता है तो उनके पास उन्हें मना करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचता। उन्होंने बताया कि जब कई दिनों तक पानी नहीं आता तो वो पास के प्राकृतिक स्रोत से पानी ढोकर लाते हैं और अपने घर का गुजर बसर करते हैं। घर में युवा है तो वह पानी लाने में सक्षम है, लेकिन जिनके घर में बुजुर्ग या फिर बीमार लोग हैं वो पानी नहीं ढो पाते। इसलिए पानी की समस्या का कोई स्थायी समाधान निकालना चाहिए। हमारे को पानी की बड़ी जी 5-7 दिन के बाद आता है पानी। गुजारा ऐसे करते जी, बावड़ियों से, कभी बावड़ियों से ले आते पार से, कभी पार शिव जी के मंदिर के पास एक छोटा जैसा कुंड उसमें से भर लेते। वो भी अब बुढ़ापे में भरा नहीं जाता, घर में बीमार पड़े हुए 8 साल से बिस्तरे में है, तो पानी उनके लिए तो बहुत लगता है जी। पानी की ऐसी दिक्कत हो रही है जी। यहाँ पे पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत है, हमें पार बॉडी से ढो के लाना पड़ता है पानी। और जब भी कभी कोई मेहमान आना होता है तो हमें 10 बार सोचना पड़ता है उन्हें बुलाए या ना बुलाए। यहाँ पे हर चीज़ की दिक्कत है, पानी के 10-12 दिन बाद आता है। अब हम तो यही चाहते हैं कि डेली या 4-5 दिन या 2 दिन बाद आ जाए पानी, वही हमारे लिए बहुत है। पर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है, पानी की दिक्कत आ रही है। पानी यहाँ पर कभी 10 दिन बाद आता है, कभी हम बोलते भी आईपीएच वालों को कि हमें पानी दिया जाए, लेकिन वो लोग भी हमें टाल देते हैं कि हाँ 3-4 दिन बाद आएगा या हमारे पास पानी नहीं है, हम कहाँ से पानी दें। तो हम लोग भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। एक्चुअली में यहाँ पे जो टैंक बने हैं वो बने हैं सिर्फ जो पहले आबादी थी उस हिसाब से। हमारी प्रशासन से ये मांग थी कि ये टैंक बढ़ाए जाएँ ताकि पानी ज़्यादा इकट्ठा हो और लोगों को प्रॉपरली पानी मिल सके। अब रोज़ हर रोज़ की पानी की समस्या है और हर रोज़ हम प्रशासन उनके पास जाते रहें, ऑफिस आईपीएच में जाते रहें, तो उससे हल नहीं होगा। प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पे आबादी को देखकर टैंक बनाए जाएं और प्रॉपर जो पानी का है वो रेगुलर किया जाए। सोलन से अमरप्रीत पुंज। यू आर वॉचिंग न्यूज इंडिया लाइव टीवी। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।